Hey guys, तो क्या हाल चाल? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें यार, सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे दिख रहा है ऐसे ऑल पर सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए जनरल कॉन्टेंट लाता रहेगा। तो चलिए फटाफट के अंदाज में वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हे गाइस, अपने ध्यान को आप केंद्रित कैसे करें, इसके लिए आज हम आपको कुछ बेसिक ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करें यार, इस वीडियो पर एक लाइक आपका मोटिवेट करेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने ध्यान को केंद्रित कैसे कर पाते हैं। तो चलिए पहले कुछ नुस्खे बता देते हैं कि आप इस कार्य को कीजिए। देखिए, अगर सुबह आप देर से उठते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, सुबह जल्दी उठिए। जितना जल्दी उठेंगे उतने अच्छे से आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, यानी कि अपने ध्यान में लगे रहेंगे। तो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठना है, ठीक है, 4 से 5 बजे के बीच में उठना है, क्योंकि 4 से 5 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिससे आप ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए और व्यायाम कीजिए घूमने टहलने के लिए। इसके बाद आइए तो 5 से 10 मिनट तक, जी हाँ दोस्तों, 5 से 10 मिनट तक ध्यान मग्न हो जाइए। 5 से 10 मिनट तक अगर ध्यान मग्न होते हैं आप, तो इसमें आपको जो एजिटेशन होता है उससे आप दूर हो पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब आपको ट्रिक बता देते हैं, ये 4 स्टेप हैं जो आप अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो स्टेप नंबर 1, अच्छी सोच और किसी भी कार्य में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पहले आप पॉजिटिव सोचिए, इसके बाद जो आप कार्य करते हैं, बहुत से लोग उसमें धैर्य नहीं रख पाते, फटाफट जल्दी की बाजी के चक्कर में लॉस कर देते हैं। तो जो भी कार्य को करें उसमें धैर्य रखना आपका बहुत जरूरी है, इससे आपका कार्य भी सफलतापूर्वक हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, नियमित रूप से आप अपने दिनचर्या जरूर करें, इससे आपका दिमाग फ्रेश रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सुबह जल्दी उठें और जो भी दिनचर्या है उसे आप कर लें, इससे आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। स्टेप नंबर 3, जो भी कार्य आप करें उसको इतना मन और साहस के साथ करें कि वह कार्य आपको सफल बना दे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी कार्य को करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई में इतना अपने ध्यान को लगा दीजिए कि वह आपको आ जाए और आप उस कार्य में सफल हो जाए। आप मतलब जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ें उसको आप प्रॉपरली याद कर लें, ठीक है, इतना अपने ध्यान को केंद्रित कर लें। यह ध्यान केंद्रित आपको स्वामी विवेकानंद जी की तरह ही करना है। जी हाँ दोस्तों, उनकी तरह ही आपको ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना है, बगल से चाहे जो जाए जो आए आपसे कोई मतलब नहीं, आपका ध्यान तो केंद्रित है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर जरूर रखें, क्योंकि अगर आप अपने ध्यान को अपने लक्ष्य की ओर रखते हैं तो आपको सफलता पाने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लक्ष्य से इसलिए भटकते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते, जैसे स्टूडेंट लाइफ में वो समझ नहीं पाते उनको क्या करना है, ठीक है, इससे वो अपने ध्यान में नहीं हो पाते, अपने लक्ष्य की ओर अपना ध्यान नहीं कर पाते और वो भटक जाते हैं। तो अपने ध्यान, जो आपका लक्ष्य आपने बनाया है कि आपको ये बनना है, तो उसमें अपना ध्यान हमेशा रखिए कि हाँ मुझे करना है, इससे आप कर भी पाओगे और जो दूसरे ध्यान आपको भटकाने वाले तमाम सोशल मीडिया ऐप हैं उससे आप दूर रह पाओगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा अपने भाई के चैनल को। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्यारी मोटिवेशनल वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, सेफ एंड टेक केयर।